ये आपकी जान ले सकता है। चेंज पॉकेट अगला हिलता है, क्या है? तो करते हैं, चेन उतार दी मैंने, तब करते हैं इसको फिट। कैसे होगा ये पता नहीं। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, की हाल चाल, वेलकम बैक एक नई वीडियो और एक नए तगड़े स्याप्पे के साथ। स्याप्पा मतलब, मैं इसको वॉश कर रहा था तो इसके ना नीचे ऑयल हुआ था पूरा गंदा, तो मैंने खोल के इसको मैं कहा अच्छे से साफ करता हूँ, तो वॉश करके यहाँ लाया इसको, तो नेक्स्ट लेवल ही पंगा हुआ पड़ा है। ये दूसरी बार हो गया भैया जी, ये आपकी जान ले सकता है। ये दिख रहा होगा, ये देखो निकल जाए तो। मैंने ये खोल दिया था ऊपर वाला ना साफ करने के लिए, बट ये तो एक्चुअली इसको ना इसको भी खोलेंगे फिर दिखाता हूँ मैं ये क्या है। ये एक्चुअली ये चेन के ऊपर, ये स्विंग आर्म के ऊपर लगा होता है एक प्लास्टिक का कवर, चेन स्विंग आर्म में रगड़े ना। ये खोल के दिखाऊंगा, ये खोलता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। तो ये खोल लेता हूँ, तो ये लो खोल दिया पीछे का कवर। और हाल क्या है यहाँ पे, ये एक बार पहले भी वाप था मेरे साथ, मेरी चलती बाइक की चेन उतर गई थी, तब मैं वीडियो नहीं बनाता था एक्चुअली, तब तो ये घिसे हुए थे ना इसके दांत, तो चेन उतर गई थी, चेन यहाँ पे फंस गई थी, तो यहाँ पे रोटेट कर रही थी पीछे वाले हिस्से में, घूम रही थी, यहाँ घूम रही थी या यहाँ से आगे से उतरी थी, पीछे वाली तो ऐसी थी आगे से उतर गई थी, आगे उतर के यहाँ घूम रही थी। और ये जो अभी निकला हुआ है ये यहाँ पे इसके लॉक होते हैं जिसमें ये फंसता है, यहाँ से ये निकल गया है, चेन स्लाइडर होता है ये आगे फंस गया, वो ये इसके अंदर फंसा हुआ था ये पीछे। और ये कब से था ये, और यहाँ फंस के अगर ये इसको जाम कर दे और टायर लॉक हो जाए तो भैया जी आप तो गए समझो। इसको निकाले बाहर, तो मैंने ये चेंज करवाया था पहले, निकल जा। अच्छा हुआ मैंने इसको खोल दिया राइट से पहले। ये हाल देखो इसको, ये इतना हिस्सा कट ही गया इसका, ये तो कटा हुआ, इसके जॉइन है ये ऐसे करके ये होता है, और इसके नीचे वाला भी ये कैसे निकलेगा, चाहिए फंसा हुआ है यहाँ पे, यहाँ नीचे से ये लॉक होता है, यहाँ नीचे ये लॉक में अभी निकल गया भाई, निकल गया। ये दोनों ऐसे जुड़े होते हैं ये, तो ये जो फ्रेम स्लाइडर, फ्रेम स्विंग आर्म है, स्विंग आर्म के ऊपर होता है कि यहाँ से चेन लग के घिसे ना, तो भैया ये तो बच जाता अगर हम घिस जाते ना इसमें फंस के, तो काम हो जाता। यहाँ भी और भी कुछ हैं, इसके कुछ टुकड़े इसके पीछे फंसे हुए हैं, ये फंसे हुए हैं कुछ, इसको कैसे निकालें, इससे तभी कहते हैं बाइक चेक कर लेनी चाहिए किसी राइड से पहले। तो हमारा पंजाब का भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, ये तो एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं है, ये कुछ फंसा हुआ इसमें देखो अभी, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये टाइम से पता लग गया बस, और हम इसको करवा लेंगे ठीक है। इंजन ऑयल भी चेक कर लेंगे इसका, सब चेक कर लेंगे बढ़िया करके। इंजन ऑयल पर मुझे डाउट हो रहा है, ये खड़ी थी ना दो दिन, तो वहाँ पर ऑयल घिरा था, सुबह हमने ये धो दिया था, तो मैंने कहा बाइक भी धो लें, ये कैसे निकलेगा अभी। ये क्या है, ये चीज़ इसकी तो नहीं है, तो ये यहाँ से कहाँ से निकली है, तो इसका पता नहीं, ये एजेंसी में लेके जाऊँगा उनको दिखाऊँगा, ये वीडियो दिखा दूँगा, भैया जी ये निकला इसके अंदर से, ये निकला इसके पीछे से, ऐस फंसा हुआ था इसमें, ये कहाँ का पता नहीं। और मैं कब से राइड कर रहा था, मैंने ज़्यादा राइड नहीं की इसको टूटे हुए के साथ, लेकिन ये काफ़ी टाइम से घिसा, ये देखा ये ऐसा प्लेन होता है, और ये चेन घुसी पड़ी है यहाँ पे, ये चेन रगड़ी, ये नई चेन डलवाई थी तो मैंने ये चेक नहीं करवाया था। जब भी आप पुराना स्विंग आर्म और सॉरी चेन स्पोकेट चेंज करते हैं तो नई चेन डाल देते हैं, तो इसका एक बार चेकअप ज़रूर करा लें, इसका ध्यान रखें, क्योंकि ये मुझे लग रहा है वो ढीलियों के, जब पुरानी ढीली थी वो लग लग के ये तब क्रैश हुआ था, हल्का फुल्का लगा होगा, ये नई जैसे इसने पकड़ के उधेड़ दिया इसको,
तो देखो क्या होता है। तो इंजन ऑयल भी चेक कर लिया जाए तो एक साथ ही हो जाएगा, मुझे डाउट है क्योंकि इंजन ऑयल इसका बहुत गिरा था। इतना सा इंजन ऑयल है और इतना ये तब है जब बाइक इतनी टेढ़ी है। ये है सीधी बाइक, अभी ऐसे करके लेटा रखी है मैंने बाइक। तो ऐसे तो ये एजेंसी जाएगी नहीं, पहले मैं इंजन ऑयल लेके आता हूँ, इंजन ऑयल डालूंगा फिर इसको लेके जाऊंगा भैया के। Few moments later. तो इंजन ऑयल हम ले हैं 10W50 7100, सेम जो पहले डाला था वही डाल देंगे। लिक्विड वाली कहाँ है अब देखते हैं, इंजन ऑयल डालते हैं तो फिर बाद में लेके जाएंगे। लाल खून, ये खून, ये खून, ये पी लिया हमारा खून पी लिया। तो कोई नहीं, अपने यहाँ डाल दिया जैसे भी, मुश्किल से 1 लीटर और थोड़ा गिर भी गया था। तो इसमें आता है 1.400, मतलब 1.5 लीटर के आसपास, 1400 ml, और वो 1 लीटर भी नहीं निकला। यहाँ से इंजन ऑयल ड्रेन कर रहा है ये नट से, ये नट ही ख़राब है, मुझे ये नट चेंज करना पड़ेगा। तो यहीं से पिछली बार भी यहीं से हुआ है पक्का कन्फर्म। इसको साफ़ करते हैं फिर देखते हैं, इसको चेक करते हैं। तो मैंने इसको साफ़ तो कर दिया, तो अभी देखते हैं यहाँ से ऑयल लीक होता है या नहीं होता, तभी पता लग जाएगा ना होता है नहीं होता ऑयल लीक। अब चेक करते हैं इंजन ऑयल, अभी ये उधर को झुकी हुई है, ये देखो अभी छोड़ूंगा इसको, उधर को जा रही है। तो अभी सीधी है ये, अब सही है, तो इसको लेके जाएंगे फिर चेक करवाने। थोड़ी देर स्टार्ट कर लें, जो साइलेंसर में थोड़ा बहुत इंजन ऑयल गिरा वो जल जाएगा। इंजन ऑयल जब जलता है ऐसे लगता है आग लग गई भैया बाइक में, आग लग गई, आग लगा दी, आग लगा दी। तो अभी तो इतनी गर्म नहीं हुई है, जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है ना फिर ये देखो अभी गर्म होती है, अभी कैसे धुआं मार रही है। तो ये मार्केट में कहीं डर लग जाता है एक बार को भैया क्या जो हो गया, बहुत गंदा धुआं मारता है इंजन ऑयल जब जलता है। तो आग वाग ना लगनी चाहिए ऐसे, तो मैं तो इंजन गर्म कर देता हूँ, इंजन ऑयल सब वो जल जाएगा। आग देखो, आग लगी, आग लगी भैया इंजन में, आग लगी वो है ही ऐसा, वो लगी ऐसा है। The next day. तो ये लेना था हमने वो उसका जो उधर खड़ी है, तो इतनी दूर आए हम इसको लेने, सिर्फ ये इतना सा लेने, हल्द्वानी रुद्रपुर बाजपुर कहीं नहीं है। तो आ गया है ये असला हमारे पास, जो ये टूट गया था हमारी बाइक का, हो गए 5-6 दिन हो गए इसको लगाने का, टाइम नहीं लग रहा था। मैंने पहले सोचा एजेंसी में लगाएंगे लेकिन टाइम लगा। ये है ऐसा, ये कहाँ लगता भी दिखाएंगे थोड़ी देर में। और इसका हाल देखो जो पुराना है, ये आधा गायब ही हो गया है। ये ऐसा है, पूरा कंप्लीट है ये, और ये यहाँ से इतना ऊपर वाला हिस्सा, इधर वाला हिस्सा गायब ही हो गया कट कट के। ये प्लेन है ना यहाँ से, और ये यहाँ से गायब हो गया, ये सारा फंसा था उसके अंदर, चेन इस पॉकेट के अंदर गया था। तो करते हैं, चेन में जंग लग गया, चेन में मैंने तब से वही नहीं किया, करते हैं इसको फिट फटाफट फिर देखते हैं। और एक रबड़ भी निकली थी ना वो एक्चुअली, ये जब ये कट के इसके पीछे फंसा ना, तो इसके पीछे भी ऐसी रबड़ होती है, ये वाली जो रबड़ है ना, ये रबड़ है, ये रबड़ पीछे वाले हिस्से में भी होती है, तो वो उसमें निकल के लग गई। लेकिन ये चेन स्पॉकेट अगला हिलता है क्या है। तो करते हैं, चेन उतार दी मैंने, तब करते हैं इसको फिट, कैसे होगा ये पता नहीं, ट्राई करते हैं। तो ये बात मैं फिर एजेंसी में दिखा लूँगा, जैसे हिल रहा है ना ये ऐसे हल्का, ये हिलना नहीं चाहिए या चाहिए, चलो जो भी है देखेंगे बाद में। लो भैया जी, चेन तो फिट हो गई, ये तो फिट हो गई है, लेकिन ये यहाँ से निकल जाता है, ये हिलता है ना निकल जाता है, तो इसका कुछ इलाज होना चाहिए जो इसके साथ फिक्स हो जाए, ये निकले ना, क्योंकि लूज़ होता है चेन जब लूज़ होती है, तो यहीं से उखड़ के आगे फंसता है वहाँ पे। तो इसका कुछ इलाज या तो ढूंढेंगे, सुराख तो दे रखा ही है, यहाँ पे एक सुराख दे रखा है, लेकिन मैं कौन सी पत्ती डालेंगे क्या डालेंगे जो यहाँ पे कसा जाए, ऐसी कोई पत्ती बनेगी या होती होगी एजेंसी में पता करना पड़ेगा। तो अभी मैं इसके जो पीछे
मड फ्लैप होता वो फिट नहीं करूँगा, एक बार एजेंसी में दिखाऊँगा इसको तो उसके बाद ही उसको फिट करेंगे। तो मैंने इसको चेन खोल के पहले ही लूप कर दिया, उसके बाद फिट किया, नहीं तो सब गंदा हो जाएगा। करते हैं अब इसको फिट विट करते हैं, फिर एक छोटी सी राइड लेके आएंगे। तो एक छोटी सी राइड लेके आ गए थे वापसी, बाकी तो सब सही है। ये जो हिल रहे हैं ना ये काम थोड़ा सा, ये जो निकल गया ना निकल गया, फंस गया, फंस के टायर लॉक हो गया ना भाई साहब, क्या क्या रगड़े जा रहे हैं क्या ही बोला जाए। तो फिलहाल एजेंसी में ले जाके इसको दिखाएंगे, तो बाकी तो सब सही है और हमारी बाइक हो गई है ठीक चलाने लग। फिलहाल के लिए एजेंसी में दिखाने के बाद इसको फिट करेंगे। तो बढ़िया डोमिनार है तो इसका जरूर ध्यान रखें, और बाइक में होता नहीं होता पता नहीं, बट इसका ये निकलता है ना तो ये थोड़ा रिस्की है, तो इसका ख्याल रखें, वरना ये निकल गया तो फिर बाइक आपका ख्याल नहीं रखेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, करके बताना कैसी लगी आपको वीडियो, क्या आपकी बाइक में भी ये प्रॉब्लम आती है डोरेमोन में, तो हाँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे ऐसे ही घूमते घूमते। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय 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 बाय।